आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर जयपुर से, जहां पर बीजेपी का शक्ति वंदन अभियान होने वाला है। प्रदेश कार्यालय में आज कार्यशाला होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर की दिशा में चर्चा होगी कि कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिलाओं के लिए केंद्र की योजना पर भी चर्चा की जाएगी। विजया ताडकर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसमें शामिल होंगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, साथ ही मंजू वाघमार भी मौजूद रहेंगी। समापन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। तो तमाम ये बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यशाला में शामिल होंगे और एजेंडा ये है कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, केंद्र की जो योजनाएं महिलाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं उसका कैसे फायदा इस वर्ग तक, इन महिलाओं तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा होनी है। तो विजया अराडकर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इसमें शामिल होंगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंजू वाघमार भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र में खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी मौजूदगी रहेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है इसको लेकर बातचीत इस बैठक में होने वाली है। शक्ति वंदन अभियान ये बीजेपी का तो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और वहीं बीजेपी का सफाई अभियान भी लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के खड़े गणेश मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की। लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मंदिर में पहुंचे, साफ सफाई करते हुए नजर आए। साफ सफाई के बाद ओम बिरला ने गजानन जी की पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा के मंदिर की, जहां पर देखिए किस तरीके से साफ सफाई करते हुए तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिन्होंने हाथ में झाड़ू थाम रखी है और मंदिर परिसर में किस तरीके से वो सफाई कर रहे हैं। चूंकि पहले ही प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि आप मंदिरों में जाइए, सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए और ये जो अभियान है इसको सफल बनाइए। रुक करते हैं पॉलिटिकल खबरों का। दरअसल विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमस कस ली है। बीजेपी मिशन 25 में कोई भी ऐसा लूप नहीं छोड़ना चाहती जिससे बीजेपी को कोई सीट गंवानी पड़े। चौबीस में 25 पर मंथन, बैठक में हुआ गहन चिंतन, सात मोर्चे, सात पदाधिकारी, बीजेपी की तगड़ी तैयारी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने मिशन पर लग गई है और मिशन 25 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सभी सातों मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक रखी गई है। संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है, आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता है, इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में, हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश और जिला इकाइयों को लोकसभा चुनावों को लेकर टास्क दिए गए थे। इसके बाद अब बीजेपी ने सातों मोर्चों की बैठक बुलाई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार भी प्रदेश में 25 में से 25 सीटें जीती जाएं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो लोकसभा की करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार पार्टी लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर उस पर काम करेगी ताकि जिन विधानसभा सीटों में पार्टी कमजोर है वहां पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। अगर बात करें मोर्चों की तो बैठक में सात मोर्चों के पदाधिकारी थे, जिनमें SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान महिला और युवा मोर्चा शामिल हैं। इन मोर्चों को जाति, समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया गया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।